नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। नगर निकाय चुनाव में नव निर्वाचित मेयर पार्षदों अध्यक्षकों के लिए आज लखनऊ की इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। वही दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों के नव निर्वाचित मेयर नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का ये आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला आज राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रतिभाग कर निर्वाचित प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन करेंगे। वहीं दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक के अलावा नगर विकास मंत्री एके शर्मा और नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बता दें, आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम बड़े दिग्गज शामिल होंगे। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होंगे और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर हमारी संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुहानी, ये किस प्रकार से कार्यशाला होगी नवनिर्वाचित महापौर अध्यक्ष और पार्षदों की? आज जो चुनाव हुआ है, उसमें नव निर्वाचित जो मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, उनको लेकर एक बड़ी बैठक जो होने जा रही है, वो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है। और उसमें आपको बता दें कि तमाम जो उत्तर प्रदेश के जो में भी कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री हैं, और वहीं हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेके उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि जो नगर विकास एके शर्मा जी मंत्री है, वो भी मौजूद रहेंगे, और राज्य नगर विकास जो है वो भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम इसमें जो है योगी सरकार के जितने भी कैबिनेट मंत्री रहेंगे, आज उसमें मौजूद रहेंगे। और आज नगर विकास, नगर पंचायत और नगर पालिका के तमाम जितने भी अध्यक्ष हैं, उनके लिए ये एक महा बैठक होने जा रही है। कहा जा रहा है कि जो 2023 और 24 के जो कार्यकाल है नगर पंचायत, नगर पालिका और मेयर का, तो उसको लेकर आज मंथन किया जाएगा। आज योगी सरकार उनको दिशा निर्देश देंगे और बताएंगे कि 2023 और 24 के जितने भी कार्यकाल है, कैसे जो नगर को विकास किया जाए, जो अधूरा काम है उसे पूरा किया जाए। सब पहले भी ये दिशा निर्देश जो योगी सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी हो गया था कि 23 जून तक जितने भी कार्यप्रणाली है, नए कार्यों की जो सूची है, वो तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो चुनाव, नगर निकाय चुनाव में जितनी देरी हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं क्षति पहुंची, तो उसे लेकर अब जो चुनाव हो गया है और रिजल्ट इसका आ गया है, तो जल्द से जल्द 23 और 24 के कार्यकाल को निर्धारित किया जाए, उसे एक सूची बनाया जाए और पूरी तरह से आज जो है योगी सरकार अपने मेयर और पंचायत जितने भी हैं और जो अध्यक्ष हैं, उनको एक दिशा निर्देश देंगे। उनको बताएंगे कि जो भी कार्य उत्तर प्रदेश में अधूरा रह गया है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए और एक विकास की तरफ जो है उत्तर प्रदेश को बढ़ाया जाए। तो ऐसे तमाम जो निर्देश है वो आज योगी सरकार देंगे। उनके तमाम जो मंत्री हैं, जो बड़े मंत्री हैं, वो भी आज मौजूद रहेंगे और उनको दिशा निर्देश देंगे। जी मयूरी, सुहानी, देखा जाए ये कार्यशाला का आयोजन 10:30 बजे किया जाएगा और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी मेरी, आपको बता दें कि ये नगर निगम जो चुनाव हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं योगी सरकार इस बार बहुत ज़्यादा, या यूँ कहे कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से इस बार खुशियों से, क्योंकि नगर निगम के जो 17 सीटों पर वो पूरी तरह से कब्जा किया और पूरी तरह से उनका एक उत्साह हो गया है। क्योंकि ये नगर निगम चुनाव जो है कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण दिख रहा था, और इसलिए जो पूरी तरह से योगी सरकार इस पर जबरदस्त तैयारियों में है। और आज जो तैयारी होगा 10:30 बजे से है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा है, जुपिटर हॉल में, और वहाँ पे तमाम तैयारियों को देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी भी जाकर वहाँ पे तमाम जो बैठकें हैं उन्होंने उस पर कैप्चर किया और उस पर देखा, आगे देखा जाएगा कि आखिर आज योगी सरकार क्या अधिसूचना जारी किया है और क्या दिशा निर्देश अपने जो अध्यक्ष के लिए कार्य कर रहे हैं उनको देंगे। तो ऐसे तमाम जो तैयारियां है वो देखने को मिल रहा है। वही
वहाँ पे इंतजाम भी पुख्ता किया जा रहा है, क्योंकि जो ये बैठकें हैं कहीं ना कहीं इसमें तमाम मेयर जो नगर पंचायत नगर पालिका अध्यक्ष रहेंगे मौजूद रहेंगे और तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो इसमें शामिल रहेंगे, उप मुख्यमंत्री दोनों शामिल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बैठक है और हमारे जो राज्य के लिए उत्तर प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होगा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो है योगी सरकार इस पे आज अपना दिशा निर्देश देंगे और आगे और उत्तर प्रदेश को बढ़ाने के लिए काम को बताएंगे और उनको वही जो अधूरा काम है उसे पूरा करने के लिए भी बताएंगे। जी मैं सोनी, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं, तो ये जो मेयर अध्यक्ष और पार्षद है क्या इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है? जी मयूरी, जो नगर निगम का जो चुनाव हुआ है तो कहीं ना कहीं ये मेयर जो 17 सीट ही बीजेपी ने इस पे कब्जा किया है, तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश को एक दिशा निर्देश देने के लिए एक नई उत्तर प्रदेश को एक साबित करने के लिए कहीं ना कहीं योगी सरकार बड़ी आज जो जिम्मेदारी है वो अपने जो मेयर को दे सकते हैं उनको बढ़ाने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि जो ये नगर निगम का चुनाव है नगरीय चुनाव कहीं ना कहीं हमारे जो छोटे तबके से जो आता है शहर उसको बड़ा करने के लिए उसको विकास करने के लिए जैसे आप समझ सकती है गांवों को विकास करने के लिए, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो हमारा देश है कृषि प्रधान देश है और अब उसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं योगी सरकार हमेशा तत्पर रहते हैं। आप भी देखती हैं कि वो जाकर आम जनता से मिलते हैं, उनके तत्काल उनके कामों को पूरा करते हैं, तो वही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो उनके जो कार्यकाल है जो नगर निगम जो कार्य जो मेयर है उनको दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि हमारे जो शहरी विकास है उसे भी बढ़ाएंगे और जो गाँव का विकास है उसे भी बढ़ाने के लिए तत्काल रूप से जो योगी सरकार इस पर कार्य कर रहे हैं। उस खास रूप उनका भी कहना है कि 30 जून तक जो है 23 और 24 के जो भी कार्यकाल है उसे पूरा करने के लिए अधिसूचना जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो गया है और आज बड़ी जिम्मेदारी जो है मेयर और पार्षदों को दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जो गाँव का विकास है कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़ा माना जाता है, तो उसको विकास करने के लिए चाहे आप देख सकती हैं कि नालियां हो गया, सीवर हो गया, ऐसे तमाम अभी अधूरा काम है, क्योंकि हमने खुद जाके उस पे देखा है, उस पे कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अभी भी 75% तक जो हमारा जो गांव है वो अभी तक नहीं सुधार हुआ है और उसी को लेकर आज मंथन कर सकते हैं। जी मयूर जी, धन्यवाद सुहानी हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। पूर्व WFI चीफ और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध कर रहे पहलवानों के प्रदर्शन को लगातार समर्थन मिल रहा है। पहलवानों के चल रहे विरोध पर चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के खाप और किसान समूहों के प्रतिनिधि आज मुजफ्फरनगर में मिलेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने बुधवार को बताया कि गुरुवार को मुजफ्फरनगर के सोरम गाँव में महापंचायत आयोजित की जाएगी। इसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ डराने, धमकाने और यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पहलवानों के विरोध पर चर्चा की जाएगी। साथ ही महापंचायत में यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली की विभिन्न खापों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य चल रहे पहलवानों के विरोध में आगे की रणनीति तय करना है। बता दें पहलवानों के समर्थन में ये आज महापंचायत होगी और ये देखने वाली बात होगी कि क्या पहलवानों का अगला कदम होता है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, पहलवानों के समर्थन में आज महापंचायत होने जा रही है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिस तरीके से पिछले 38 दिनों से लगातार जो ये रेसलर्स है वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह जो WFI के पूर्व अध्यक्ष थे उनके खिलाफ जो है गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। जिस तरह से पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था उसके बाद अभी भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, जिसके खिलाफ ये रेसलर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमने देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर से उनको हटाया गया, उनको घसीटा गया और प्रोटेस्ट स्थल को खाली कराया गया था। इसके बाद वो हरिद्वार पहुंचे, हर की पौड़ी, जहां वो अपने मेडल को गंगा जी में विसर्जित करना चाहते थे। वहां पे किसान नेता नरेश टिकैत के समझाने बुझाने के बाद इन पहलवानों ने अपने मेडल को नरेश टिकैत को ही सौंप दिया और गंगा में विसर्जित
नहीं किया। इसके बाद लगातार ये मामला चर्चा में बना हुआ है। अगर कल की बात करें तो कल ऐसी भी खबरें आई कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि बिजभूषा शरद सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी में लेट हो रही है। वहीं दूसरा एंगल यह है कि जिस नाबालिग महिला पहलवान ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसके बालिग होने के भी खबरें हैं। बाकायदा उसके रिश्तेदार इसमें आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पहलवान है वो नाबालिग नहीं बालिग है। स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ का दिखाया जा रहा है, जिसमें पहलवान के बालिग होने की बात की जा रही है। वहीं पहलवान के पिता का कहना है कि जो सर्टिफिकेट दिखाया गया है वो उनकी बड़ी बेटी का है, जो काफ़ी पहले ही इस लोक को छोड़ के परलोक सिधार चुकी है। ऐसे में लगातार ये भ्रांतियाँ बनी हुई हैं, लेकिन जब उनके पिता से मरी हुई बड़ी बेटी का सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट मांगा गया, तो इस पर वो कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दे पाए, या यूँ मानिए कि वो चुप्पी साध गए। अब इस मामले में कई एंगल जो है जुड़ने लगे हैं। वही भारतीय किसान यूनियन लगातार पहलवानों को अपना समर्थन दे रहा है, शुरू से ही समर्थन दे रहा है, चाहे वह नरेश टिकैत हो, चाहे वह राकेश टिकैत हो, लगातार जंतर मंतर में पहुंचे थे, एक महापंचायत भी करने वाले थे। अब इसके बाद जिस तरीके से जंतर मंतर पुटेश स्थल को खाली करा दिया गया है, तो मुजफ्फरपुर के सोरम गाँव में एक महापंचायत जो है भारतीय किसान यूनियन के द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 खाप पंचायतें इसमें हिस्सा लेंगी और बिजभूषा शरद सिंह के खिलाफ पहलवानों के समर्थन में महापंचायत होगी। प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है विवेक, क्या कुछ उनकी तैयारियां नजर आ रही है सुरक्षा के मद्देनजर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 50 खाप पंचायतें इसमें भाग ले रही हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो है जन सैलाब आएगा और ये सभी लोग पहलवानों को समर्थन देने के लिए आगे आए हैं। जिस तरीके से लगातार ये बातें चल रही थी, तो प्रशासन ने अपने स्तर पे तमाम जो व्यवस्थाएं की हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ताकि कोई अव्यवस्था न हो पाए। वहीं अगर बात करें तो लगातार इस मामले में कई लोग जो है पहलवानों का समर्थन देते हुए देखे जा सकते हैं। सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोंडा से सांसद बिजभूषण शरद सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बाकायदा ट्वीट कर दिया है। और जिस तरीके से कांग्रेस से लेके आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का विरोध कर रही है कि क्यों बिजभूषण शरण सिंह पे कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में पूर्व ओलंपियन योगेश्वर दत्त का भी एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहलवानों की मांग जायज थी, पहलवान अपनी मांग को सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई हुई और FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पहलवानों के जो ये मुद्दा है उसको ओवरटेक कर रही हैं और गलत तरीके से पहलवानों के मुद्दे को पेश किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा। तो ये पूर्व ओलंपियन है योगेश्वर दत्त, जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता हुआ है, ये उन्होंने बाकायदा ये बात कहा था। और कुश्ती के पहलवान है, जहाँ तक ये बात की जाए तो दीपेंद्र हुड्डा जब लखनऊ आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर निशाना जो है वो साधा था बिजभूषण शरण सिंह और भारतीय जनता पार्टी पे, कि भारतीय जनता पार्टी उनको बचा रही है। पास्को एक्ट की तरफ मुकदमा दर्ज हुआ है, यौन शोषण का आरोप नाबालिग का लगा हुआ है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर चुप्पी साधा हुआ है, वो सिर्फ पहलवानों के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं, ऐसा दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया था। विवेक, अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर आगे का क्या कुछ प्लान होगा पहलवानों का, अगला कदम उनका क्या होगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब हरिद्वार में ये लोग अपना मेडल विसर्जित करने गए थे गंगा जी में, तब नरेश टिकैत ने उनको काफ़ी समझाया बुझाया था और बताया था कि ये जो मेडल है उनकी तपस्या, उनकी मेहनत, कड़ी मेहनत की वजह से उनको मिला है, ना कि किसी सांसद या विधायक के प्रलोभन पे मिला है, जिस तरीके से बात की जा रही है। उसके बाद 5 दिनों का अल्टीमेटम जो है वो सरकार को दिया गया था, अगर सरकार इन 5 दिनों में उनकी बात नहीं सुनती है तो एक बार और अपने स्तर से, एक विशाल स्तर से प्रोटेस्ट करेंगे और इंडिया गेट पे आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो 5 दिन का अल्टीमेटम अभी सरकार को पहलवानों की तरफ से दिया गया है और 5 दिनों के बाद वो आमरण अनशन पे बैठने वाले हैं। देखने वाली बात होती है कि 5 दिन में सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई होती है, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो किस तरीके का प्रोटेस्ट जो है पहलवानों का अब एक कौन सा रूप लेगा। हमने 35 दिनों का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर देखा, इंडिया गेट पर जो आमरण अनशन होने वाला है कितना व्यापक स्वरूप होगा ये 5 दिनों के बाद पता चलेगा। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए।
बता दें मुजफ्फरनगर में आज ये खाप की महापंचायत होने जा रही है। पहलवानों के समर्थन में ये महापंचायत हो रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं